जनता पार्टी के कार्यकर्ता डांस करते हुए अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। पिछले महीनों भर तक भारतीय जनता पार्टी के वाराणसी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया और अब उन्हें लगता है कि उनकी बड़ी जीत हुई है, तो पूरे शहर में घूम घूम कर फूलों की होली खेलते हुए अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि किस प्रकार से बड़ी जीत की ओर बढ़े हैं। पुलिसकर्मियों पर भी फूल फेंक कर उन्हें भी धन्यवाद कर रहे हैं और ये अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। आपको बताएं कि वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है और पूरे उत्तर प्रदेश में दो तिहाई सीटों की ओर बढ़त की ओर बढ़ रही है, तो पुलिसकर्मियों पर भी फूल फेंक कर मिठाई खिला रहे हैं और अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करते हैं, भाजपा कार्यकर्ताओं से। आप लोग अभी से लगता है होली तो आज से शुरू हो गई आप लोगों के लिए। ये हम उत्तर प्रदेश की जनता का हम उत्तर प्रदेश की जनता का वंदन करने, अभिनंदन करने, उनका आशीर्वाद लेने निकले हैं, जिनके आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत 350 प्लस सीटों के साथ उत्तर प्रदेश विश्वनाथ माँ गंगा के आशीर्वाद से और जनता के लिए जो मोदी योगी जी ने सेवा की है, एक वैक्सीन भी फ्री दिया, राशन भी फ्री दिया, लोगों का इलाज भी फ्री कराया, उस काम पर जनता ने मोहर लगाया। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए आज जनता ने 350 होली तो आज से ही आप लोग ने मनानी शुरू कर दी, अब पूरे यूपी में यही होली का माहौल। यस यस यस, ये बधाई योगी और मोदी जी के लिए, खासतौर से बनारस की जनता के लिए। योगी और मोदी के नेतृत्व में देश बहुत अच्छे प्रशस्त रूप से। बड़ी जीत के पीछे मुख्य कारण क्या है, एक कारण बताएं। अगर मुख्य कारण लेंगे तो एक तो महिलाओं को सुरक्षा और दूसरा माफियावाद को उत्तर प्रदेश से तो ये तो आपने देखी फूलों की होली, रंगों की होली और इसी का तो नजूमी बनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलियों में जिक्र किया था। वो भविष्य वक्ता नहीं थे, वो सच प्रकट कर रहे थे। ये देखिए आप, ये इसीलिए 10 मार्च को होली खेलेंगे, सुनिए। जीत के साथ मनाई जाएगी पहली होली।